राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। शाम का टाइम हो रहा है और वीडियो मैंने जहाँ से एंड किया था वहीं से ही शुरू किया है। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल किया है और पेस्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। टमाटर, प्याज और लहसुन का, अदरक का पेस्ट मैंने तैयार किया है। तो बच्चों का मन था पास्ता इस टाइम खाने का, तो मैंने वही थोड़ा बहुत पास्ता बनाने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत मतलब शाम के टाइम के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और सिंपली तरीके से मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा चटपटा सा। इसमें ज़्यादा मैंने कुछ वेजिटेबल्स मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि सिंपली मैंने बनाया है। तो बस सिंपली बनाकर और मेरे प्यांशी को ना सिंपली अच्छा लगता है पास्ता, मेरे बच्चों को, तो सिंपली ही मैंने बनाया है। और इसको भूनने के बाद ना फिर मैं पास्ता जो बॉईल किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद इसके अंदर पहले ना मसाले पहले ऐड करूँगी। तो धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो किचन के रेगुलर मसाले हैं ना वही सब मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है। और कम मिर्च वाले बना रही हूँ। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाए, मतलब कलर चेंज हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। और कम तीखा वाला ही बनाया है मैंने। तो फाइनली ये बन के मतलब रेडी हो जाएगा 5-6 मिनट बाद। उसके बाद आज मैंने सोचा है गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पास्ता जो बॉयल कर रखा है ना वो मैं इसी में डाल दे रही हूँ। मकरोरी, आपके यहाँ क्या कहते हैं, मकरोरी कहते हैं या पास्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे यहाँ मकरोरी कहते हैं, मकरोरी पास्ता कहते हैं। तो इसको मैं सिंपल ही बना रही हूँ और फिर मैं ये दे दूँगी बच्चों को, तब तक ये खाएंगे, तब तक मैं गट्टे की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत तरीके से बनाई जाती है गट्टे की सब्ज़ी, तो मैं आज दूसरे तरीके से बनाऊँगी। मैं जैसे बनाते हो वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल के और बच्चों को पहले मैं दे देती हूँ क्योंकि अभी 6:30 ही बज रहे हैं और यहाँ पे मैं दे रही हूँ खाने के लिए। उसके बाद मुझे खाने की प्रिपरेशन भी तैयार करनी है, रात का मतलब डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पर पहले मैं दे देती हूँ, हल्की फुल्की मतलब दे देती हूँ। उसके बाद से मैं देने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पर मैंने एक पराते लिया है और इसमें मैंने ना 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, मतलब बेसन ले लिया है मैंने। और इसी के अंदर हम किचन का जो भी रेगुलर मसाला है वो थोड़ा बहुत मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरा ये पाउडर ये सब मैं डाल दूँगी और नमक भी डाल दूँगी और इसमें अजवाइन भी डालना है और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालूँगी। और इसमें हल्का सा ना मैं कश्मीरी जो होता है वो मैंने डाल रखा है, लाल मिर्च भी और कसूरी मेथी भी और दही डालकर और इसको मैं मैश कर लूँगी। और इसमें हल्का सा बाद में मैं तेल ऐड करूँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से हाथों से ना मिला लिया है ताकि ये चिपके नहीं, और चिपकता तो होता ही नहीं है। हमें आटे की तरह इसको डो लगाना है। इस बेसन को अच्छी तरह से मसल लूँगी, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, मतलब मीडियम टाइप का होना चाहिए डो ये। और इसको मैं अच्छी तरह से बना लूँगी। हल्का सा ना इसके अंदर मैं ना मीठा सोडा भी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जब ना बॉयल हो तो अच्छी तरह से पक जाए। तो इसमें मैंने हल्का सा मीठा सोडा डाल दिया है और हल्का सा पानी डालकर इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मसल के इसको मैं अच्छी तरह से मसल के और 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और उसके बाद से ना मैं गोल शेप का मतलब लंबे लंबे गोल शेप का मैं आकार दूँगी। तो इसको मैं ना सेट कर दिया। इसमें हल्का सा मैंने ना तेल भी मतलब लगा दिया ताकि ये ना मतलब वो ना को सूखे ना। और इसको मैंने गोल गोल से आकार दे दिया है, पेटी की तरह बना दिया है। और इसको मैंने गोल सा बना के और रख लूँगी। तो पहले मैं इन सबको बना लेती हूँ और बना भी लिया है इसको। और मैंने एक तरफ पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था पहले ही और इसको मैं पानी के अंदर डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसे कुक होने दूँगी, मतलब धीमी आँच पर। और इसको मैं अच्छी तरह से पकने दूँगी, तब तक ये पक जाएगा। तब तक मैं ना मतलब ग्रेवी जो मसाले की तैयारी करूँगी, मतलब मसाला जो होता है ना वो तैयारी करें। इसमें दही लिया है 1 कटोरी, इसी में धनिया पाउडर और हल्दी और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इसी के अंदर ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं डाल दूँगी इसी के अंदर। और अलग से मैंने ना प्याज कट के रखा है। तो यहाँ पर बॉयल हो चुका है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हुआ है कि नहीं। तो फाइनली थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो तो इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए और मैंने पकने दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल कर और देखूँगी कि हुआ है कि नहीं। तो एक ना मतलब कट करके देखूँगी अच्छी तरह से अंदर से पका है कि नहीं। तो ये पक चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो इसको मैं अब ना निकाल के सारे और ठंडे होने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब निकाल लिया है और थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रखूँगी। और इस पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि इसी को ही मैं ना मतलब ग्रेवी में डालूँगी, मतलब पानी मतलब डालूँगी मसाले में ही, इसी को मैं यूज कर लूँगी। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है और इस पानी को मैं बिल्कुल नहीं फेंकने वाली, क्योंकि इसी को मैं ग्रेवी बनाऊँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई मैंने मतलब गैस चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं हल्का सा खड़ा मसाला डालूँगी, जैसे हींग हो गया और इलायची हो गया, छोटी इलायची, लौंग और क्या कहते हैं जीरा हो गया और एक खड़ा दालचीनी हो गया और तेज़पात हो गया, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद ये जब ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, हल्का सा हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। और प्याज ऐड करने के बाद इसको बस लो पे मतलब इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। इसमें हरी मिर्च भी मैंने कट करके दो डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। आप टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है। और इसमें ना लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैं इस लगे हाथ इसमें डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और अच्छी तरह से भूनने के बाद ना जो दही वाला जो मैंने मसाला पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें डालूँगी। तो फिलहाल मैं पहले मैं इसको काट लेती हूँ, तब तक प्याज भून रहा है, तब तक मैं इसको हल्की हल्की छोटी छोटी मतलब गोल गोल से मतलब काट लूँगी इसको सर्कल में। और इसको काटने के बाद ना सारा इकट्ठा कर लूँगी। और ये काट के मैंने अलग कर दिया है, तब तक ये भून चुका है अच्छी तरह से। अब इसको मैं गैस ना बंद करके ही और तब मैं दही का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि दही का पेस्ट डालने से ना मसाला थोड़ा ना फटने का डर रहता है। तो मैंने गैस बंद कर दिया है और तब मैंने ये मसाला इसमें ऐड किया है। और इसको बस मैं चलाती रहूँगी, अच्छी तरह से चला लूँगी और इसको अच्छी तरह से पकाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ना गैस को ऑन कर दिया है और जो इसमें मसाला कटोरा में था वो मैंने जो मैंने इसमें बना रखा था ना, उबाल रखा था, वही इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसमें मैं डाल दूँगी और ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। और उसके बाद ना जो वो पानी बचा हुआ था ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ऊपर से मैंने ना कसूरी मेथी डाल दी, इसमें से हल्का सा मैंने घी भी ऐड कर दिया। आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। और लगे मसाले में मैंने नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया था पहले ही। और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छे से बन के दिख रही है और मसालों में से तेल छोड़ चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है गट्टे मैंने इसमें डाल दिया है। और जो बचा हुआ पानी था, जो हमने उबाले थे गट्टे को, वही मैं पानी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये पानी भी पक चुका है और इसमें मैंने डाल दिया है। और इसको मैं 5 मिनट के लिए कुक होने दूँगी, तब तक ये बन के रेडी हो जाएगा। आप इसके ऊपर धनिया का पत्ता भी डाल कर सर्व कर सकते हैं। मेरे पास धनिया का पत्ता नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। उसके बाद मैं आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि गट्टे के साथ रोटी और चावल ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आटा भी लगा कर रख दिया है। यहाँ गट्टे की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। यह और ये हमारा रात का डिनर है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि खाने का समय भी हो गया है, सभी बैठे हुए खाने खाने के लिए। तो यहाँ पे रोटियाँ फटाफट से बनाकर और लगे हाथ इसमें रोटियों में घी लगा लूँगी और मतलब रोटियों में ना घी चिपुड़ के और फिर मैं खाना सर्व करूँगी सब जनी को। तो मैं फटाफट से पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फाइनली रोटी बनकर रेडी हो चुकी है और सब में मैं घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद सबको मैं खाना दे दूँगी। और ये हमारा रात का डिनर है। चावल मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि गरम गरम रोटियाँ और पराठे भी नहीं बनाए थे मैंने। सिंपली मैंने सोचा रोटी और गट्टे की सब्ज़ी हो जाएगी, साथ में घी लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ रख दिया है। आजकल मैं ऐसे ही आजकल रोटियाँ रख रही हूँ। और यहाँ पर हमने खाना मैंने निकाल दिया है, मतलब देने के लिए ले जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।